चैप्टर नंबर 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेखक ऐसा क्यों कहते हैं कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा नहीं जा सकता? कि गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है और यहां तक कि व्यक्ति अपने आप को उस गुलमर्ग के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है और वहां के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है और आत्मीयता का कोई और छोर नहीं होता। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता। आगे है, दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बिरंगी फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई कुंपले फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते हुए नजर आते हैं और हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते हुए दिखाई देती हैं। पगडंडियों भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। इसके अंदर ये दो ही क्वेश्चन करने हैं। अब आगे का चैप्टर देखते हैं। चैप्टर नंबर 9 निर्भय बनो। लेखक है फणीश्वरनाथ रेणु। और हाँ, आप लोगों को लेखक और साहित्य प्रकार खास पढ़ना ही है। हम केवल लॉन्ग क्वेश्चन ही यहाँ पे समझते हैं। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, प्रियोदा की टोली कौन कौन से सेवा कार्य करती है? तो प्रियोदा की टोली जो है वो सेवाभावी लड़कों का दल है। दल यानी समूह है। कि प्रियोदा की टोली के अंदर जितने भी लड़के हैं वो कैसे थे? सेवाभावी। और यह टोली हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए अनाज इकट्ठा करने के लिए निकल पड़ती है। इसके लिए उनसे कस्बे में मोहल्ले में जाना पड़ता है। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ता है तो प्रियोदा की टोली उसके घर पहुंच जाती है। प्रियोदा टोली के सदस्य रोगी पूरी तरह स्वस्थ हो जाने तक उसकी सेवा करते हैं। हैजा जैसी गंभीर बीमारियों में भी ये लड़कों का दल जो है वो लोगों के लिए वरदान बन जाती है। इस प्रकार प्रियोदा की टोली कई तरह के सेवा कार्य करती है। पोयम नंबर 10 भारत गौरव। भारत गौरव के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, गुप्त जी ने भारत के गौरव को किस रूप में हमारे सामने रखा है? तो गुप्त जी कहते हैं कि भारत जो है वह प्रकृति का पुण्य लीला स्थल है। ये ऋषियों की पावन भूमि है। भारत ही संसार का सिरमौर है। भगवान की बनाई हुई भवभूतियों का सबसे पहला भंडार भारतवर्ष है। यहाँ के निवासी आर्य है और आर्यों की ये प्रसिद्ध भूमि है। आर्यों ने ही संसार को विद्या कला कौशल की शिक्षा दी। इस प्रकार कवि ने भारत को के गौरव को हमारे सामने रखा है। दूसरा प्रश्न है, भारतवासियों के बारे में गुप्त जी क्या कहते हैं? तो गुप्त जी के अनुसार भारतवासी आर्यों की संतानें हैं। एक समय था जब आर्य विद्या कला कौशल में सबसे आगे थे। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। परंतु उन महान आर्यों की संतान होकर भी आज भारतवासी अधोगति में पड़े हुए हैं। प्रगति की दौड़ में वे बुरी तरह पिछड़ गए हैं। फिर भी अपने महान पूर्वजों के उच्च आदर्शों को वे भूल नहीं पाए हैं। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है, इसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। अब है आगे चैप्टर नंबर 11 एक यात्रा, यह भी जिसके लेखक है रामदास मिश्र, जिसके अंदर आपको क्वेश्चन करना है, मोहन का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मोहन एक बीए पास सुशिक्षित युवक है। उसकी आकर्षक और अपनेपन से भरी वाणी परायों को भी अपना बना लेती है। वह धन से अनेक अधिक संबंधों को महत्व देता है। संकट में पड़ी एक लड़की को अपना कर वह अपने साहस और मानवता का परिचय देता है। उसे अपनाने में वह अपने परिवार के रिश्ते की भी बलि दे देता है। और इन्हीं गुणों के कारण मोहन जो है वो लेखक की नज़र में बहुत ऊंचा उठ जाता है। इस पाठ में से आपको ये एक भी क्वेश्चन करना है। अब है चैप्टर नंबर 12 रानी।
इसके अंदर भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये आप लोगों को पढ़ के रखना है, शायद पूछा जा सकता है। अब है चैप्टर नंबर 15 द ज्यू, लेखक है शेखर जोशी। तो इसके अंदर आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर में आकर कैसा लगा था। तो जगदीश बाबू अपने गांव से बहुत दूर, गांव को छोड़कर शहर में आ गए थे। वे शहर में अकेले थे, यहाँ का वातावरण उनके गांव से वातावरण से बिल्कुल अलग था। गांव में यहाँ के जैसी चहल पहल नहीं थी कि गांव एकदम शांत था, शहर में एकदम चहल पहल थी। और वहाँ कैफे के जैसा शोरगुल भी नहीं था। उन्हें लगता था वे अपनेपन की सीमा से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरह जगदीश बाबू को पहले पहले नए शहर आकर बहुत ही अकेलापन महसूस होता है। तीसरा है आरंभ में जगदीश बाबू को का व्यवहार मदन के प्रति कैसा था। तो शुरुआत में मदन और जगदीश बाबू का परिचय कहाँ पे होता है, एक कैफे के अंदर उनका परिचय होता है। और धीरे धीरे जगदीश बाबू जो है वो मदन से परिचय होने के कारण वो अकेलापन भूल जाते हैं। दो चार दिनों में मदन उन्हें दाजू कहकर पुकारता है, और दाजू का अर्थ होता है बड़ा भाई। और जगदीश बाबू भी उनसे बहुत स्नेह से पेश आते हैं। उन दोनों में कौन कौन सी बात होती है, तो मौसम संबंधी बातें होती थी। उसके बाद मदन कहता था कि आपने तो आज बहुत कम खाना खाया, वे शिकायत करता था। मदन को वे अपने बड़े भाई जैसा लगता था। और आरंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार एकदम स्नेह भरा और अपनत्व भरा था। आगे का क्वेश्चन है जगदीश बाबू ने मदन को दाचू कहने पर क्यों डांटा। तो आरंभ में शुरुआत में जब मदन और जगदीश बाबू का परिचय हुआ था तो जगदीश बाबू को ऐसा लगा कि ये मेरे क्षेत्र का लड़का है। तो ये सुनकर जगदीश बाबू को बहुत अच्छा लगा। और दाजू मदन जो है वो दाजू दाजू कहकर उन्हें संबोधित करता था। लेकिन आखिरकार मदन एक कैफे का बॉय था, वेटर था, जबकि जगदीश बाबू एक अच्छे प्रतिष्ठित घर के व्यक्ति थे। और मदन कैफे में सबके सामने उन्हें दाजू दाजू कहता था, तो वह जगदीश बाबू को पसंद नहीं आया। जगदीश बाबू को ऐसा लगा कि इस वेटर ये वेटर जो है वो मुझे बड़ा भाई कहता है, उससे मेरी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। इसलिए उन्होंने दाजू कहने पर उसे डांटा। इसके अंदर आप लोगों के इतने क्वेश्चन करने हैं। अब है 16 भारतीय परंपरा संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध, लेखक है आनंद शंकर माधवन। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है यूरोप के प्रभाव के कारण आज गुरु शिष्य संबंधों में क्या अंतर आया है। तो प्राचीन भारत में विद्यालय जो है वो मंदिर के समान माने जाते थे। शिक्षा देना एक आध्यात्मिक कार्य था, पैसे देकर शिक्षा खरीदी नहीं जाती थी। शिष्य पुत्र से अधिक प्रिय होते थे, परंतु वर्तमान भारत में शिक्षा व्यावसायिक हो गई, गुरु वेतन भोगी हो गए, विद्यार्थी शुल्क देकर शिक्षा प्राप्त करते हैं, और आज का शिष्य गुरु में परमेश्वर का रूप नहीं देखता। इस प्रकार यूरोप के प्रभाव के कारण गुरु और शिष्य के संबंधों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। दूसरा एक प्रश्न आपको करना है पुजारी की शक्ति मूर्ति में कैसे विकसित होने लगी। तो पत्थर की मूर्ति जड़ होती है, निर्जीव होती है, उसमें प्राण डालने का काम पुजारी करता है। मूर्ति की पूजा करने का अर्थ है उसमें प्राण डालना। पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी मूर्ति उतनी ही प्रभावशाली होगी। पुजारी की भाव पूजा की शक्ति से ही धीरे धीरे मूर्ति में शक्ति विकसित होने लगती है। इतने प्रश्न आप लोगों को करना है यहाँ पे। अब डायरेक्ट 19 चैप्टर नंबर 19 महाकवि कालिदास। महाकवि कालिदास चैप्टर के अंदर भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन विद्युत्तमा का परिचय दीजिए ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है। उसके उपरांत कालिदास का जन्म स्थान और उनकी कृतियाँ, ये मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन है, उसकी तैयारी आप लोगों को करनी है। लॉन्ग क्वेश्चन इसमें कोई नहीं है। अब है
चैप्टर नंबर 20 धरती की शान। तो धरती की शान काव्य के अंदर पहला क्वेश्चन है, धरती की शान कविता में कवि ने किन किन प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन किया है? तो पहाड़, नदी, धरती, आकाश, हवा जैसे चित्रों का, प्राकृतिक चित्रों का वर्णन किया है। कवि ने मनुष्य को असीम शक्तियों से संपन्न बताया है और वे कहते हैं, मनुष्य चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, नदी के प्रवाह को रोक सकता है, अगर मनुष्य ठान ले तो धरती और आकाश को भी जोड़ सकता है। मनुष्य पवन के जैसे गति रखने वाला है, इसलिए वह आकाश में ऊंची से ऊंची उड़ान भरने में भी समर्थ है। उसके बाद धरती की शान कविता का केंद्रीय भाव लिखिए। तो धरती की शान कविता में कवि ने मनुष्य को धरती का सर्वशक्तिमान प्राणी बताया है। कवि के अनुसार मनुष्य में अनेक प्रकार की शक्तियां छिपी हुई हैं। मनुष्य अपनी इन शक्तियों को नहीं पहचानता, इसलिए वह असहाय बन जाता है। सच यह है कि मनुष्य महाकाल बन सकता है, उसकी आवाज युग बदल सकती है, वह चाहे तो ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकता है। इसलिए कविता का केंद्रीय भाव क्या है, मनुष्य को अपनी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करना, कि हर एक मनुष्य ऐसा ही है कि उसके अंदर छिपी हुई जो शक्ति है वो पहचान नहीं सकता। इस काव्य के माध्यम से कवि हमें हमारे अंदर छिपी शक्तियों को पहचानने के लिए प्रेरित करते हैं। ये दो क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। आगे है चैप्टर नंबर 21, लास्ट चैप्टर, क्रांतिकारी शेखर का बचपन, जिनके लेखक है सच्चिदानंद, हीरानयन, वात्स्यायन और अग्नेय उनका उपनाम है। इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन करना है, शेखर का चरित्र चित्रण कीजिए। हाल में ये सब जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को इस एग्जाम के लिए नहीं करना है, लेकिन नेक्स्ट एग्जाम के लिए तो ये करने ही है। शेखर एक कोमल मन का किशोर है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन का इस पर गहरा प्रभाव पड़ा है। स्वदेशी की हवा से प्रेरित होकर उसे विदेशी मात्र से घृणा हो जाती है। वह अपने घर के विदेशी वस्त्रों को खुशी खुशी जला देता है। वह अंग्रेजी माध्यम का विद्यार्थी है पर अंग्रेजी को विदेशी भाषा मानकर उससे नफरत करता है और हिंदी पढ़ने में रुचि लेता है। वह अंग्रेजी बालक के अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देता। पिता द्वारा बुद्धू कहलाना स्वीकार करता है पर अंग्रेजी बोलना उसे स्वीकार नहीं है। इस प्रकार शेखर गांधी युग का एक प्रिय बालक पात्र है। इस चैप्टर के अंदर आपको इस एग्जाम के लिए एक ही प्रश्न करना है। तो इस परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। इतने क्वेश्चन हमने देख लिए और पढ़ने तो आपको सभी क्वेश्चन हैं। थैंक यू।